अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। आज हम बात करने वाले हैं मियोसिस पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की माइटोसिस पे और सेल डेथ की, कि किस किस तरह से सेल डेथ होती है, कौन कौन से वेज हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस आल्सो सेल डिवीजन, ठीक है। ये भी क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। ये मैंने पहले भी बताया है, माइटोसिस जो है उसमें सेल एक से डिवाइड होके दो सेल्स बनाते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके कितने बनाते हैं, फोर में डिवाइड होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एज़ कम्पेयर टू मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा होता है। माइटोसिस हमारे जब सोमेटिक सेल्स बन रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो बॉडी बन रहा होता है, उस वक्त माइटोसिस का प्रोसेस होता है। या अगर हम कहें कि गैमेट्स जो बन रहे होते हैं, सेम गैमेट्स जो बन रहे होते हैं, उस वक्त जो है माइटोसिस का प्रोसेस होता है। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। गैमेट्स में हमारे स्पर्म या ओवम बनेंगे, तो उस वक्त कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ये तो ओवरव्यू था। अब क्या होता है कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल्स, चार डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं इन ईच डॉटर सेल्स। अगर हम चार की बात करें तो चार में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इस तरह से 23 23 23 23 23 सब में हाफ हाफ जाएंगे। इन एनिमल मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, तो मियोसिस कब होता है, जब जर्म सेल बनते हैं टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स लाइक स्पर्म या एग, उस वक्त मियोसिस का प्रोसेस होता है। जबकि प्लांट की अगर हम बात करें तो जो प्लांट होते हैं, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक एसेक्सुअल प्लांट होते हैं, एक सेक्सुअल होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल में तो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन एसेक्सुअल प्लांट में जो स्पोर फॉर्मिंग प्लांट होते हैं उसमें जो होता है मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि स्पोर मदर सेल्स, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो थे, तो जो डॉटर सेल होंगे उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, उसका मतलब वन हो जाएगा, टू प्रोड्यूस स्पोर, क्लियर है। अच्छा, आगे जो है अब हम बात करते हैं इवेंट ऑफ माइटोसिस। मियोसिस इज़ अ सीरीज ऑफ टू डिविजन्स। मियोसिस के दो डिविजन्स हैं, जिस तरह से माइटोसिस के एक डिविजन थे जिसमें हम सिर्फ एक ही फेज को पढ़ रहे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन यहाँ पे दो फेजेस आ जाएंगे जिसको हम फेज वन कहेंगे और फेज टू कहेंगे। फेज वन में क्या होगा, फेज वन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वन 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 वन, और इसी तरह से सेकेंड फेज में भी इसी तरह से होगा। होगा क्या कि जब मियोसिस होगा तो दो डिविजन्स होंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि फोर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। किस तरह से, ये हमारे पास सेल था, ठीक है, ये पहले डिवाइड हुआ फेज वन में दो सेल में, पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, अब इसके पास 23 23। अब ये फर्दर, ये फेज वन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड होगा, एक सेल जो है वो दो सेल बनाएगा, इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस वक्त क्या रहेंगे, जितने इसके पास थे उतने ही इसके पास रहेंगे। तो ये वो फेज होगा जिसको हम मियोसिस टू कहेंगे। इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन होगी चार सेल्स की, हैप्लॉइड सेल्स की, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे। मियोसिस वन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे
क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, 46 से हाफ हो गए। इसके बाद वाला फेज जो है उसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन डिविजन कहते हैं। ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, मियोसिस वन कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन। ठीक है, अब जो प्रोफेज वन है ये भी फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है और ये बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक है, या लॉन्ग डिवीजन कह सकते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोफेज वन की। प्रोफेज वन जो है इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज, इसको हम लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं, ऑफ मियोसिस। इट कैन बी सब डिवाइडेड, इसको सब डिवाइड किया गया है प्रोफेज को, ठीक है, पांच डिविजन्स किए गए हैं जिसको नाम दिया गया है लेप्टोटीन का, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये फाइव फेजेस हैं, सब डिवाइड किया गया है, सब स्टेजेस हैं जिसको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेप्टोटीन, वो फेज है जहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, हमें सेल में कुछ चेंजेस दिखेंगी इस स्टेज में, होगा क्या, द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इन टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बेडेड थ्रेड कॉल्ड लेप्टोटीन। होगा क्या, हमें पता है इंटरफेज में वो फेज था, कोई भी सेल डिवीजन होता है या सेल साइकिल होता है उसका सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है इंटरफेज का, क्लियर है। अब इंटरफेज में क्या होता है कि चीज़ों की क्या, जब सेल को डिवाइड होना होता है उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब आपको कॉपी बनानी है, डीएनए की कॉपी बनती है, क्रोमोसोम की कॉपी बनती है, सेंट्रियोल की कॉपी बनती है, वो स्टेज होता है जहाँ पे इंटरफेज में कॉपीज बन जाती हैं। अब वो स्टेज स्टार्ट हो जाता है जब सेल को डिवाइड होना होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। अब हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में जो फर्स्ट फेज होगा प्रोफेज होगा, प्रोफेज की सब स्टेजेस हैं जिसकी हम बात करें लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे कंडेंस फॉर्म में इस तरह से बिल्कुल, वो क्या होंगे, वो अब विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, विजिबल इस तरह से होंगे कि जो क्रोमोसोम है वो बारीक बारीक थ्रेड की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ इसमें क्या होगा कि अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें, ठीक है, तो इसमें कुछ बीड्स की तरह नजर आएंगे, मोतियों की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन नहीं कहते, जिसको हम कहते हैं क्रोमोनेमेटा, ठीक है, इस बीड को हम कहते हैं। ईच थ्रेड हैज टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेप्टीन। अच्छा, इसी के साथ जो है ना, अगर हम मॉर्फोलॉजिकल देखें कि ये जो थ्रेड है इसके साथ दो धागे होंगे, ठीक है, इस तरह से दो धागे होंगे, दोनों बीड्स मौजूद होंगे लेप्टीन के, सिमिलर लेप्टीन होंगे, बिल्कुल सेम थ्रेड होगा, ठीक है, सेल कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब कि ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉपी होंगे। होमोलोगस स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, ये समझाती हूँ। होमोलोगस स्ट्रक्चर में ये होगा कि हमें पता है कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ एक क्रोमेटिड मौजूद है। अब सेम इसी की तरह जो है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, ठीक है, एक यूनिट है जिसके पास एक एक सेक्शन है, उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। अगर हम इस सेक्शन की बात करें, इन दोनों साइड पे जो इंफॉर्मेशन है वो हेयर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक के पास रेड है तो एक के पास ब्लैक है, लेकिन दोनों के पास क्या है, हेयर की इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे जीन के पास या क्रोमोसोम के पास जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारे हाइट की इंफॉर्मेशन है, और इस साइड पे भी हाइट की इंफॉर्मेशन है। अब वो टॉल हो स्मॉल हो वो मैटर करता है, ठीक है, तो ये जो है सेम साइड है। तो इस तरह की क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि दोनों साइड क्या हो, सेम हो। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ रेड हो,
सिमिलर हूँ. सिमिलर से मुराद ये है कि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास हेयर की ही इंफॉर्मेशन है जो कि एक मदर से आते हैं एक फादर से आते हैं. क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ कि इसमें जो है ये अपेयरेंस होना शुरू हो गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया लैप्टोटीन में. फिर उसके बाद जो आएगा जाइगोटीन का वो स्टेज आएगा. जाइगोटीन में क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस सिमिलर स्ट्रक्चर क्रोमोजोम्स विच कम फ्रॉम द मदर बाय ओवम एंड स्पर्म आर अटैच टूवर्ड ईच अदर. होगा क्या कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे, ठीक है, ये एक क्रोमोजोम था, ये पूरा होमोलोगस था. इसी की तरह जो है सेम, जिसकी लेंथ सेम होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी सेम होगी, वो इसके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाएगा. आर अटैच टूवर्ड ईच अदर, देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक प्लेस. दूसरे जो वो होंगे क्रोमोजोम, इस तरह से क्या होगा, इसमें ज्वाइनिंग होगी, अटैचमेंट होगी. द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज नॉन एज साइनेप्सिस. अब जो ये ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्सिस कह रहे हैं. वाइल द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम आर नॉन एज बाई वैलेंट. और ये जो पूरा मिल गया है इस क्रोमोजोम को हम कह रहे हैं बाई वैलेंट क्रोमोजोम. ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होगा कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोजोम थे, जो जिसकी कॉपी बनी थी सेम लेंथ वाइज, जो सेम है वो क्या होंगे, लेंथ वाइज जिसकी लेंथ सेम है वो दूसरे से क्या होंगे, अटैच करेंगे. इसको हम कहेंगे अटैचमेंट को साइनेप्सिस कहेंगे. इस पूरे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट कहेंगे. तो ये जो है जाइगोटीन में होगा. देन अब ये ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, क्रोमोसोम की ज्वाइनिंग हो गई. अब उसके बाद क्या होगा, पैकेटिन में द साइनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट डिक्रीज. अब ये जो हुआ था कि ये जो दो क्रोमोसोम अटैच थे, ठीक है, एक इस साइड से एक इस तरफ से, इसमें जो अटैचमेंट हुई भी थी, ठीक है, अब ये यहाँ पे जो फोर्स साइनेप्टिक फोर्स था ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि इसकी जो अटैचमेंट होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी. अनकॉइल एंड सेपरेट, सेपरेट होना शुरू हो जाएगी. द सेपरेशन इज हाउ एवर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगी किस तरह से, एंड पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट कॉल चियाजमेटा. ठीक है, होगा क्या कि पूरे ये सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि साइनेप्टिक फोर्स जो है वो डिक्रीज अब होना शुरू होगा, तो ये एक पॉइंट से एक दूसरे को क्या करेंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. अब जहाँ पे जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, जहाँ पे ये जो मिले हुए हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, चार्जमेटा कह रहे हैं. ठीक है, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट इन द सेंट्रोमियर रीजन. यहाँ से ये ज्वाइन रहेंगे, ठीक है. नाउ ईच बाइवेलेंट कंपोज्ड ऑफ फोर क्रोमेटिड्स. अगर हम इसको देखें तो इसके पास अब क्या है, चार क्रोमेटिड्स हैं, और क्रोमोसोम कितने हो गए, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दो क्रोमोसोम हो गए. तो बाइवेलेंट टेट्राड, टेट्राड हम क्रोमेटिड्स के लिए, फोर क्रोमेटिड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बाइवेलेंट, बाय मतलब दो, ये ज्वाइनिंग है क्रोमोसोम की, इसको हम क्या कह रहे हैं, बाइवेलेंट टेट्राड का स्ट्रक्चर बन जाएगा. मतलब इसमें क्या होगा कि कुछ अटैचमेंट रहेगी, जहाँ से अटैचमेंट रहेगी उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, चार्जमेटा कह रहे हैं. और इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स की बात करें, एक एक थ्रेड लाइक जिसमें स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कह रहे हैं, फोर क्रोमेटिड्स, जिसको हम टेट्राड कह रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद डिप्लोटीन होगा. डिप्लोटीन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा. क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कैसे होगा कि मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन है, इसके इस पॉइंट पे हेयर के इंफॉर्मेशन है इसके पास भी, लेकिन इसके पास रेड है और इसके पास ब्लैक है. ये क्या होगा, ये अपना इसको दे देगा और ये इन्फॉर्मेशन इसको अपना ये दे देगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चार्जमेटा हैं, ये क्या होंगे, ये सेगमेंट जो है टूट कर, या जब ये सेपरेट हो रहे होंगे ना, जब यहाँ पे साइनेप्टिक का प्रोसेस हो रहा था, सॉरी,
जो फोर्सेस थे वो डिक्रीज हो रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि जब ये डी अटैचमेंट हो रही थी इसकी, मतलब कि ये एक दूसरे से जब सेपरेट हो रहे थे, तो इनका कुछ हिस्सा या कुछ सेगमेंट जो है ये इसके पास चला जाएगा और इसका कुछ हिस्सा जो है इसके पास चला जाएगा। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं जीन में, क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो वो कब होगा, डिप्लोटीन के स्टेज में होगा। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट ऑफ क्रोमेटिड एट चार्समेटा। दिस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स एट चार्समेटा बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद जो है, जो प्रोफेज का जो सबसे लास्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। अब ये वो स्टेज आ गया जहाँ पे प्रोफेज क्या होगा, एंड होगा। अब एंड कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपीयर। हमने थ्रेड को देखा किस तरह से वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और जो सेंट्रियोल की कॉपी थी एक इस पॉइंट पे, दो थे, तो ये क्या होंगे, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे आना शुरू हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से निकलना शुरू हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपीयर वेयर एज माइटोटिक एपरेटस स्पिंडल इज कम्प्लीटेड। चार्समेटा मूव फ्रॉम द सेंट्रोमियर टूवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स लाइक जिपर। अब क्या होगा कि जितने भी वो थे अटैचमेंट हुई हुई थी थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और ये बिल्कुल सेपरेटली मूव हो जाएंगे टूवर्ड्स। सो ये यहाँ तक जो है वो प्रोफेज था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी इसके जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।